फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल विश यू वीक। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज है 26 नवंबर और आज है मेरा बर्थडे। तो बस मैं गई थी शिवी को स्कूल छोड़ने, तो यहाँ पे हल्की सी धूप आ रही थी तो थोड़ा सा बैठ गई। और हाँ, मेरी मदर इन लॉ आ रखी हैं, वो लास्ट संडे आई थी, बट मैं तब से कोई ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि थोड़ा सा बिजी हो जा। मम्मी आई थी तो उनसे बातचीत करना और घर के और भी काम थे, क्योंकि थोड़ा सा काम मेरा बढ़ गया है और थोड़ी सी चीज़ें मैंने अपनी खुद भी बढ़ाई है। टाइम आने पे बताऊंगी कि क्या कुछ लोग गैस कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं। और यहाँ पे देखिए धूप इतनी अच्छी आ रही है कि हल्की हल्की अच्छी अच्छी धूप आ रही है और झूले पे बैठ करके मज़ा ही अलग आ रहा है हल्का हल्का। शिवी को उस टाइम पर स्कूल भेज देती हूँ मैं खुद छोड़ने जाती हूँ, खुद लेने जाती हूँ, तो शिवी इस टाइम पे स्कूल चली जाती है। तो मैं बस कभी कभी क्या होता था, मुझे शिवी को मैं काम आकर करती थी। यहाँ पे क्या है, मैं आराम से झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ और झाड़ू मॉपिंग वगैरह करके उसके बाद मैं नहा धो करके और पूजा पाठ करके शिवी को भी साथ में करवा करके और फिर स्कूल छोड़ के आती थी। यहाँ पर आराम से मेरा मॉर्निंग रूटीन बहुत जल्दी हो जाता है। कभी कभी सोचती हूँ शूट करूँ, फिर वही है ना, कैमरा सेट करना, ये करना, शिवी के सामने कैमरा सेट करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि अब वो समझदार हो। तो चलिए देखते हैं कि बर्थडे कैसे सेलिब्रेट को, कोई लोग कुछ लोग आए घर तो जब आएंगे तो मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी। कि बर्थडे जैसे भी छोटा मोटा सेलिब्रेट होगा वैसे ही अभी घर में पापा से मैं अपने बात करूंगी और उसके बाद ऐसे। तो यहाँ पे फाइनली शाम का वक्त है, हम लोग शिवी को जब स्कूल से लेकर आ गए तो उसके बाद थोड़ा आराम करने के बाद जा रहे हैं साईं टेम्पल और साईं मंदिर जा रहे थे। फिर ऑटो से ही जा रहे थे क्योंकि विक्रम तो ऑफिस में थे, तो मैंने कहा चलो मम्मी हम लोग चल लेते हैं ऑटो से ही। तो यहाँ पे ऑटो से जा रहे हैं, उसके बाद शिवी रानी हमारी ले आई हमें पार्क, क्योंकि उनको तो जब भी घर से नीचे उतरो ना तो पहले पार्क जाना है। उसे लगता है कि मुझे पार्क में तो ज़रूर झूला झूलना है, खेलना है, और फ्रेंड्स बन गए ना यहाँ पे तो उसको ज़्यादा मस्ती आती है, कभी कभी बात भी नहीं सुनती फ्रेंड्स के चक्कर। तो हम लोग साईं मंदिर से आ गए हैं और ये रहा प्रसाद, ये देखिए साईं मंदिर जी का प्रसाद। आज मंदिर पूरा खाली था क्योंकि आज था फ्राइडे आई थिंक, इस वजह से खाली था, नहीं थर्सडे तो बहुत भीड़ होती है साईं मंदिर के। और मंदिर के अंदर का मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मंदिर के अंदर ऑब्वियसली अलाउ नहीं होता, और हम जिस काम के, जिस पर्पज से, जिस प्रेयर के लिए जाते हैं हम, वो होना चाहिए बेसिकली। तो मेरा मानना वहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन है उसे तो फॉलो करनी चाहिए, अगर हम नहीं फॉलो करेंगे तो फिर कौन करेगा, है ना। तो शिवी अभी खेल रही है, वो स्लाइड कर रही है, स्विंग कर रही है, ये सारी चीज़ें करती रहती है। और विक्रम ऑफिस गए हैं तो विक्रम अभी निकल के आएंगे मॉर्निंग में, बस मेरे घर वालों से मेरी बात हुई थी। तो शिवी अभी झूल रही है बेसिकली, और मैं जो है आज मैंने इंस्टा पे 2-3 रील भी बनाई क्योंकि बोर हो रही थी, तो मुझे लगा कुछ तो करना चाहिए, तो माइंड थोड़ा सा, तो विक्रम भी घर में नहीं थे ना तो थोड़ा सा लगा। विक्रम ने बोला कि मैं हाफ डे सोच रहा हूँ ले लूँ, बट फिर एट दी एंड में सोचा कि काम भी था, तो कहते हैं आज फ्राइडे कल सैटरडे संडे छुट्टी है यार, तो मैं हाफ डे नहीं ले रहा हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, काम की इंपॉर्टेंस अपनी जगह पर है और घर के काम की अपनी जगह पर है, तो इतना ज़रूरी नहीं है, बर्थडे ही है, तो फिर फाइनली हो गया था। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ फ्राइज़। मैं बच्चों क्यों बोल रही हूँ क्योंकि मेरी नन भी आई हैं तो उनका बेटा है, तो वो लोग बच्चे लोग फ्राइज़ एंजॉय करेंगे। और विक्रम आ चुके हैं, केक आया है क्योंकि विक्रम थोड़ा लेट हो गए थे, वो तो मैं आप लोगों को आगे वीडियो में भी दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखिए मुझे बनाने में लगे पड़े हैं, मैं कब कुछ भी नहीं करूँगी क्योंकि सब लेट हुए हो, सब लेट लपा रहा है। तो फाइनली यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे वीडियो अपना खुद ही केक का शूट कर रही हूँ, और शिवी मैडम देखिए बर्थडे किसी का भी हो, केक तो शिवी ही हमारे घर में काटती है। और होता है जब घर में बच्चे होते हैं तो उनको ज़्यादा एक्साइटमेंट आती है केक काटने की, और यहाँ पे मैं फूक रही हूँ। शिवी देखिए जल्दी जल्दी क्लैपिंग करके उसने फटाक से नाइफ उठाई, मम्मा काटो केक। तो केक काटने के बाद पहले सबको खिलाया मैंने केक, और उसके बाद खिलाने के बाद मेरे मिस्टर कह रहे हैं अरे मेरी मैडम जिसका बर्थडे है उसको तो खिला दो, तो सब हंस रहे हैं। हाँ ये बात तो है। तो हम सब निकल गए हैं डिनर के लिए, डिनर के लिए हम भी। हाँ शिवी, शिवी के डैडी और जीजू आ गए हैं, और ये रहा शिवी का खाना, क्योंकि शिवी जो है बाहर वो मैदे की रोटी होती है तो वो नहीं पचा पाती है, और पचाएगी भी नहीं, वो खाती ही नहीं बेसिकली, तो उसके लिए पराठे मेथी के रख लिए हैं, मेथी के पराठे खाएगी वो। और हम लोग डिनर शिवी का लेकर ही चलते हैं। और ये देखिए मैडम, तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे थे आप? हम ये बोलना चाह रहे हैं आज मैं गुस्सा हूँ इनसे, कैसे कैसे गुस्सा हूँ। ऑब्वियसली एक तो ऑफिस गए थे मगर लेट भी आए, तो इसीलिए और ज्यादा गुस्सा हूँ। रोज जितने बजे आते तो उससे आधा घंटा लेट आए। मामी हाँ बोलो, थक गया बेचारा, इतना कूद रहा
कूदने की जरूरत ही क्या है आपको? मैं ये कह रहा था कि ना अब हम खाने के लिए निकल रहे हैं बाहर। मैं तो कह दिया केक खिला दिया है, छुट्टी कर देती हूँ। बर्थडे में केक ही तो इम्पोर्टेंट होता है। अगर ये लोगों ने जिद पकड़ ली नहीं, मामी खाना भी खिलाते। बताओ खाना कोई खिलाता बर्थडे पे? पार्टी इनको देनी चाहिए, मुझसे पार्टी ले रहे हैं ये लोग। और गिफ्ट कुछ नहीं दिया, लड्डू गिफ्ट तो दिया नहीं मुझे। हाँ पार्टी ले रहे हैं मुझसे, मतलब गिफ्ट दो तभी पार्टी मिलेगी। एक को तो देखो, इसको हैप्पी बर्थडे अभी तक याद आ रहा है, अभी तक हैप्पी बर्थडे हो रहा है। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं डिनर पे और शिवी और ये सब लोग खेल रहे हैं। तो यहाँ पे सब लोग आ गए हैं और था कि सब लोग कह रहे थे कि थोड़ा ओपन एरिया में बैठ करके खाएंगे बैठेंगे, कोई अंदर रेस्टोरेंट में, वैसे नहीं तो हमने फिर वैसे ही सिलेक्ट किया देखा। तो यहाँ पर हम आए हैं, बाहर बैठे हैं और सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। स्टार्टर मंगवाया था चाप, कौन सा आचारी चाप, जो कि बहुत खट्टा लग रहा था मुझे तो, बाकी सबको बहुत पसंद आया। बट मैं नॉर्मल चाप ही खाती हूँ तो मसाला वाला, तो मुझे वही पसंद आता है। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं डिनर करने और यहाँ पे खाया जा रहा है सोया चाप। नॉनवेज कुछ नहीं है, पंडितानी का बर्थडे ऑफ आफ्टर ऑल नॉनवेज कैसे होगा। और वेस्ट तंदूरी जंक्शन में हम लोग आए हैं और यहाँ पे माथे को ये खिला रहे हैं सब लोग। स्टार्टर में सोया चाप, शिवी अमूल लस्सी ले रही है और हर्षी का वो मिल्कशेक आया था, वो मतलब मांग रही थी, बट एटलीस्ट वही वाली बात हुई ना कि वो फिनिश हो गई थी। रख दो, मुझे एक गिफ्ट मिला है, ये देखिए रख लो हटा दो। और ये गिफ्ट मिला है, इसमें क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि विक्रम गया है यहाँ पे बच्चों की गिफ्ट शॉप है, वहाँ से लेकर आया, क्या लेकर आया मुझे नहीं पता। हाँ तो घर जाकर देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने छोटी छोटी क्लिप्स ले ली थी, ज़्यादा बड़ी क्लिप और ब्लॉगिंग नहीं की खाने की, क्योंकि खाने का मज़ा सबके साथ बैठ करके गर्मा गर्म अलग ही मज़ा आता है। सबकी पसंदीदा दाल मखनी, पनीर, चाप, सोया, जो भी जिसको जो पसंद था वो मंगवाया और इन्जॉय किया। बाकी सब लोगों ने खाना खा लिया तो इनका तो चलता रहता है आराम से, ये एक्स्ट्रा बर्डन वाले हैं ना इसीलिए एक्स्ट्रा खाते हैं तो इनका भी चल रहा है फाइनली। बाकी हम लोगों ने सब ने डिनर कर लिया है, बर्थडे हो गया है, देखना बाकी है कि गिफ्ट में क्या दिया है, वो घर चल के देखिए और आप लोगों से शेयर करिए कि क्या मिला है गिफ्ट। ओ मेरे बच्चों थैंक यू, जो कि सच में मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। लाइट जला रही है तो ये मेरे पति गिफ्ट दिया है, सच में मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, क्योंकि ये गिफ्ट शॉप सामने थी वहां से लेकर आया, करे सबके यूज है, तो मैं देखना चाहती हूँ ऐसा क्या है क्या नहीं है, जो मुझे अभी भी नहीं समझ आ रहा है। एक मिनट, अरे हैप्पी मिनी फोटो फ्रेम, ओके ये तो हम अपने जब स्कूल डेज में होता था तब। वाओ सो ब्यूटीफुल यार, रियली में सच में बहुत पसंद आया मुझे, सीरियसली बहुत पसंद आया। ये देखिए बहुत प्यारा है ना, बहुत प्यारा है। शिवी शिवी देखो क्या मिला मम्मी को, मैंने कहा मैं अपना फोटो ले चलूं। ओहो श्याम काना जी राधा जी, तो ये देखिए बहुत प्यारा है, थैंक यू, मतलब लेट मिला मगर अच्छा मिला, तो इस ब्लॉग को मैं इनके साथ एंड करती हूँ। ये छोटा सा ब्लॉग था, बर्थडे हो गया और शिवी के साथ, बच्चों के साथ, लड्डू के साथ, सबके साथ और फैमिली के साथ। मॉर्निंग में मैंने अपनी फैमिली से बात कर ली थी, उनसे भी बात हो गई थी, तो सबका फोन और बातें बातें हो गई थी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक यू। जय इंडिया जय भारत, और थैंक यू सो मच, जो भी मुझे विश करेंगे उनको मैं अभी से थैंक यू कह देती हूँ, बाय जय।